मैंने कहा यार एक आखिरी टॉपिक रह गया है, क्यों ना वीडियो को ख़त्म कर, मतलब सब्जेक्ट को जो है वो ख़त्म करा जाए, और हाँ ऑब्वियसली वीडियो को भी ख़त्म करा जाए सब्जेक्ट की। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेलिगन, मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा जो है लेबर लॉ 2 चल रहा था, आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वो कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। जो हमने ऊपर बातचीत करी थी, कमिश्नर को पैसा दे देगा वो, कमिश्नर देखेगा क्या डिपेंडेंट क्या इसको देना क्या नहीं देना। कमिश्नर है कौन भैया ये तो बताओ। सेक्शन 20 कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एनी पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स, और इज और हैव बीन नॉट लेस देन 5 ईयर्स एन एडवोकेट और अ प्लीडर, और इज और हैज़ बीन अ गैजेटेड ऑफिसर फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्शन। तो कमिश्नर कौन होगा? बड़ा सिंपल जवाब है, 5 नंबर याद रख लो, 5 ईयर्स, बात खत्म। या तो जुडिशियल मेंबर हो 5 साल तक के लिए, वो बन सकता है कमिश्नर, या तो उसने एडवोकेट रह चुका है 5 साल के लिए, वो बन सकता है कमिश्नर, या फिर जो है तीसरा क्या था, ऑफिशियल गैजेट का था ना कुछ, दैट हैज बीन गैजेटेड ऑफिसर फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हो सकता है 5 साल के लिए, वो जो है कमिश्नर बन सकता है। अब ऐसा थोड़ी कि कोई भी 5 साल के प्रैक्टिस के साथ एडवोकेट आ जाए, कोई भी 5 साल के जज उठ के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा है उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जो एक्सपीरियंस उसने करा हुआ है वो इन फील्ड्स में होना चाहिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, इन सब के अंदर उसे डील करा होना चाहिए, वही जो है एलिजिबल होगा कमिश्नर बनने के लिए। ठीक है जी। वेयर मोर देन वन कमिश्नर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस उसके अंदर हो जाएगा, और एवरी कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट हमने पढ़ा हुआ है उसी के अंदर, उसी मीनिंग के अंदर जो है ये रहने वाला। कह रहा है पावर्स ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर की क्या पावर्स क्या होंगे ये देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सारी सिविल कोड की पावर्स, बात खत्म। कह रहे हैं वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग एंड ट्रांसफर क्या होगा। सेक्शन 21 कह रहा है द एक्सीडेंट टुक प्लेस विच रिजल्टेड इन द इंजरी, वो वेन्यू हो सकता है, या इन द केस ऑफ डेथ डिपेंडेंट क्लेम्स वो जो कर सकते हैं जहाँ पर वो करें। कह रहा है अपील का कोई सेक्शन है इसके अंदर, बिल्कुल है जी। सेक्शन 30 कह रहा है अपील्स टू हाई कोर्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स पास बाय कमिश्नर, तो हाई कोर्ट में तुम तो अपील कर सकते हो। एंड ऑर्डर ऑफ लमसम एज कम्पनसेशन वो दे सकते हैं। एंड ऑर्डर ऑफ डिस अलाउिंग अ क्लेम इन फुल और इन पार्ट ऑफ द लमसम ऑफ कम्पनसेशन वो दे सकते हैं इसके अंदर। अवॉर्डिंग इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर सेक्शन 4A कोई अवार्ड पेनल्टी वो दे सकते हैं। एन ऑर्डर डिसअलाउिंग द क्लेम ऑफ अ पर्सन एलिजिंग हिमसेल्फ टू बी अ डिपेंडेंट वो दे सकते हैं, एक्सेट्रा। कई सारे पॉइंट है जो भी आप किताब या जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो ये मैंने मोटे मोटे लिख दिए यहाँ पर, अब ऐसे 10-15 होंगे इसमें, और तो वो जो है तुम लोग देख सकते हो कौन कौन से पॉइंट के अंदर अपील का जो प्रोविजन आ जाता है। अब कह रहे हैं नो अपील लाइज टू हाई कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ ऐसे भी हमारे पास कंडीशंस हैं जहाँ पर तुम हाई कोर्ट में जो अपील नहीं डाल सकते, किसकी, ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर की। क्या क्या है वो केसेस? वेयर ऑर्डर हैज बीन मेड आफ्टर पार्टीज हैव अग्रीड टू अबाइड द डिसीजन। अब भैया पार्टीज ने मान लिया कि ठीक है भैया, मतलब उसने कहा एम्प्लॉयर हाँ भी तेरे को 1 लाख रुपए से देने हैं, वो कह रहा है ठीक है जी दे दूंगा मैं, ये कह रहा है ले लूंगा मैं, तो बात खत्म। फिर किस चीज की अपील डल रही है? तुम अगर मान चुके हो उस बात को तो तुम अपील नहीं डाल सकते, मतलब तुम पंगे ले रहे हो तुम। वेयर ऑर्डर ऑफ कमिश्नर गिव्स इफेक्ट टू एन अग्रीमेंट अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है जी, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो अराइज, जो अग्रीमेंट था उसको अराइज कर रहा है, मतलब अग्रीमेंट हो चुका है वही चीज़ हो गई। वेयर ऑर्डर फॉर रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट हैज बीन मेड एंड द अमाउंट इन डिस्प्यूट इज लेस देन 300 रुपये, छोटा अमाउंट है, छोटा डिस्प्यूट है, उसके लिए तुम अपील करने जा रहे हो, वो चीज़ जो है यहाँ पर अलाउ नहीं करा जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट अगला सब्जेक्ट। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, इसको तो बाद में करेंगे, अभी मैं भी थक गया हूँ भैया वीडियो बना के, पूरा पूरी यूनिट के ऊपर एक ही बार में वीडियो बना थी। तो चलिए जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भी कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेगा, और हमारे वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो है वो लिंक दिए हुए, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ जिसके थ्रू मेरे से टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, या फिर कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू मेरे से आप डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, वो भी लाइव। अब भैया सब्सक्राइब अगर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसे कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे मिस, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक वॉचिंग टू बी वेलिगन, साइन आउट, बाय बाय, टेक केयर, एंड देखते फिर वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे बाद में भैया और सब्जेक्ट्स की।